स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीडियो है हमारा क्लास 10th के मॉडिफाइड सिलेबस को लेकर। जैसा कि आपको ध्यान है कि सत्र 2020-21 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सिलेबस में 40% की कमी की है बोर्ड कक्षाओं को लेकर, और शेष 60% सिलेबस से आपका पेपर आना है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के मॉडिफाइड सिलेबस की, संशोधित पाठ्यक्रम की, जिसका विषय जो है वो रहेगा हमारा विज्ञान साइंस। तो साइंस विषय को लेकर क्या क्या परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया है पाठ्यक्रम के अंदर, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हमारे YouTube चैनल पर आपको क्लास 12 रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस के वीडियो प्लेलिस्ट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9928782905। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे हैं हम कक्षा 10 के मॉडिफाइड सिलेबस 2021 की परीक्षा को लेकर। क्लास 10 का जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसका आज का जो हमारा विषय है वो है साइंस विज्ञान। तो अब हम देखेंगे विज्ञान के सिलेबस में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या क्या परिवर्तन किया है किस चैप्टर के अंदर। तो पहला अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है, एज इट इज इसे रखा गया है। तो पूरा चैप्टर ही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होंगे इस पूरे चैप्टर से। दूसरा चैप्टर आपका मानव तंत्र, जिसमें से पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र 2021 की परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन इसमें से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो 2021 की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, उसे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सिलेबस से हटाया गया भाग आपको रेड कलर में दिखाई देगा हर चैप्टर का। तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र अब आपने नहीं पढ़ना है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने 2021 की परीक्षा में उसे छोड़ सकते हैं, वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर अनुवांशिकी, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है, पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस में फॉलो किया जाना है। चौथा चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इसमें भी कोई कटौती नहीं की गई है, पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में लागू है। उसके बाद चले हम पांचवें चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन में, इसमें भी कोई कटौती नहीं की गई है। छठा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, ये भी पूरा चैप्टर ही परीक्षा में पूछा जाएगा। सातवां और आठवां चैप्टर आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सातवां और आठवां चैप्टर जो है वो आप 2021 की परीक्षा के लिए छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आना है। उसके बाद नौवां चैप्टर प्रकाश, प्रकाश प्रकाश के अंदर 10 टॉपिक आपके सिलेबस में लागू है, लेकिन 11वां टॉपिक जो है नेत्र दृष्टि दोष और उनका निराकरण, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो नेत्र दृष्टि दोष और उनका निराकरण सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद चले हम 10वें चैप्टर को, जो पूरी तरह हटा दिया गया है 10वां चैप्टर, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। 11वें चैप्टर में कार्य ऊर्जा शक्ति, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, जिसमें आपके सिलेबस के अंदर 11.1, 11.11 और 11.12 यानी कार्य शक्ति या विद्युत शक्ति ही सिलेबस में रखा गया है, बाकी का सारा भाग हटा दिया गया है। तो हटाए गए भाग में आप देख सकते हैं ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का क्षय और ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। ये जो लाल भाग आपको दिखाई दे रहा है, रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 7, 8, 9 और 10 नंबर बिंदु जो हैं इस चैप्टर के, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो केवल 3 टॉपिक कार्य शक्ति एवं विद्युत शक्ति ही आपके सिलेबस में यानी पेपर के अंदर पूछा जाएगा।
उसके बाद चले 12वें चैप्टर पर, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में लागू है। 13वां चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, 13वें चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। 14वां चैप्टर पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, पूरा के पूरा लेसन ये फॉलो है बोर्ड एग्जाम के लिए आपके, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेड पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वही हटाया गया है बोर्ड के एग्जाम के लिए। उसके बाद 15वां चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। 16वां और 17वां चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो 16वें और 17वें चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। उसके बाद चले हम 18वें चैप्टर पे, 18वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट है आपके सिलेबस के अंदर, कोई संशोधन उसमें नहीं है। और 19वां चैप्टर भी कंप्लीट है आपके सिलेबस के अंदर, कोई उसमें कटौती नहीं की गई है। और 20वां चैप्टर जो आपका था सड़क सुरक्षा, उसे हटा दिया गया है पूरी तरह से, तो सड़क सुरक्षा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 10 का मॉडिफाइड सिलेबस। क्लास 12 के भी कुछ विषयों के सिलेबस मैंने अपलोड किए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 12 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन विषयों के सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो मॉडिफाइड सिलेबस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और शेष रहे सिलेबस जल्द ही इसी वीक के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।